5 जून है और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 11:30। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं एक ब्लॉग शूट करती हूँ, तो आज इसी मूड से मैंने अभी कैमरा उठाया है, बस जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, वो मिली है, अभी आप लोगों को मिल गई होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको, मीशो होल। तो उस पर कॉमेंट्स आ रहे थे कि काफ़ी दिनों से आपके वीडियोज़ का वेट था, चलो फाइनली आज आपने कुछ डाला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक ब्लॉग ही बना लूँ। तो ऐसे ही बस आज मैंने एक ब्लॉग शूट करने की सोची है। तो अभी तो सुबह का 11:30 हो रहा है, काम घर का हो चुका है, बस कपड़े मशीन में लगाने हैं, तो वो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, वो मैं दोपहर के टाइम में लगाती हूँ, क्योंकि मैं शाम को सूखने को डालती हूँ कपड़ों को, क्योंकि दोपहर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो कपड़े उड़ जाते हैं इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए, तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, देखती हूँ कितना क्या दिखा पाती हूँ आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में। जैसा कि मैं जो भी मेरी डेली की लाइफ है वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और आज 5 जून है और कल यानी कि जब आपको ये वीडियो मिलेगा आज संडे को मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आप लोग चाहे तो मुझे विश कर सकते हैं। तो आज शनिवार है, कल संडे है, तो कल का भी मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था, काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि मैं 6 जून का मेरे बर्थडे वाले दिन का वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज से ही बना लिया जाए, अगर मेरे ब्लॉग्स को भी रिस्पॉन्स मिलेगा तो ब्लॉग्स भी बना लेंगे। तो यही है, अगर अभी तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आपको सारे दिन में क्या क्या दिखाऊंगी। तो अभी मैं हॉल में बैठी हूँ, नीचे रोड पे से आवाज़ आ रही है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मैं बोल रही थी कि पता नहीं मैं क्या क्या दिखाऊंगी, जो भी नॉर्मल है मेरी लाइफ में वही मैं दिखाऊंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम का 5 और आप लोगों से सुबह बात करने के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कुछ काम नहीं था। बिट्टू को थोड़ा सा बस ऐसे ही पढ़ाने के बाद में, और फिर बाद में बच्चे सो गए थे तो मैं भी सो गई थी, तो जस्ट बस अभी उठे हैं। तो मैं बनाऊंगी चाय, और ये मलाई से मक्खन निकाला है तो इसको भी गर्म करने के लिए रख देंगे। बच्चे भी सोकर जस्ट अभी उठे हैं और यहाँ पर मौसम आज मतलब बिल्कुल धूप नहीं है, चारों तरफ बदल हो रखे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, तो इतनी अच्छी नींद आई सबको कि बस जस्ट अभी सो के उठे हैं और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और ये रहेगी, हाय करो, हाय, गुड इवनिंग। अच्छा ये मम्मा का फोन है, जब मेरी बाल खाल गए। तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? चले गए, चल तो मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद से बात करती हूँ।
वो वाला घी उसमें नहीं आ रहा था पूरा अच्छे से, तो चेंज कर दिया और दूसरी भगोने में चढ़ा दिया है घी। Thank you.
गया है और बहुत कम टाइम लगा इसको बनकर तैयार होने में। बस मैंने चाय चढ़ाई थी, चाय बनी है और अब हम लोगों ने चाय पी है। इतने ही टाइम में बस घी बनकर तैयार हो गया है। आ गए थे तो उसके बाद में सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, आटा लगा के रख दिया था
फिर जब ये आए तो मैंने इनको चाय बना के दी, फिर बाद में सबने खाना भी खा लिया है और अभी बस कोई काम नहीं है, बर्तन बर्तन सब धुल गए हैं, बस दूध बचा है रात का तो अब दूध पियेंगे सब और मैंने भी खाना खा लिया है। तो मैंने बताया था आपको कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो मुझे पूछना था कि मेरे पास बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हम, जैसे कि आपको पता है कि मैं ड्रेसेस की वीडियो डाल चुकी हूँ कई अपने चैनल पे, तो मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आप ये ड्रेसेस हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दीजिए, हम मतलब जैसे जो दूर से लोग हैं, जैसे कि कोई गंगापुर से आ रहे हैं ऐसे कमेंट्स मुझे, करौली से नहीं, सवाई माधोपुर से आ रहे हैं, दौसा के आगे से भी आ रहे हैं, सीकर से भी आ रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं इस बारे में। तो मैंने सोचा है कि मैं इस बारे में एक बार आप लोगों से राय ले लूँ, हो सकता है मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सकूँ चीज़ें, लेकिन उसके लिए मुझे ये भी पता होना ज़रूरी है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, ताकि अगर मैं दुकान वाले भैया से बात करूं तो मैं उनको बता सकूं कि हाँ आपको इतने प्रोडक्ट्स आपके ऑनलाइन सेल हो सकते हैं। तो अभी जैसे देखिए, मैं जानती हूँ उन लोगों को, हाँ मैं जानती हूँ उन लोगों को, तो फिर भी लेकिन एक दो चीज़ों के लिए पता नहीं वो एग्री करेंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी मेरे हिसाब से सर दर्द का काम रहता होगा, वो वहाँ से पैक करेंगे उनको, फिर बाई पोस्ट आप लोगों के पास भिजवाएंगे, हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आए तो फिर उसमें रिटर्न के भी कुछ झंझट हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ। तो अब मैं एक दो लोगों के लिए तो उनसे नहीं बोल सकती, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि वो एग्री होंगे, लेकिन अगर जैसे कि आप लोगों में से अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा लोगों का लगे कि हाँ आप लोगों को चाहिए, तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ और बात करके उनको बता सकती हूँ, और फिर आगे उनकी मर्ज़ी है वो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात कर सकती हूँ इस टॉपिक पे। लेकिन अभी जब तक एक दो लोगों के कहने से तो मुझे नहीं लगता, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग बाई पोस्ट ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगवाने के इच्छुक हैं, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। तो यही बात करनी थी मुझे आपसे, मैंने दो तीन दिन से सोच रखा है, लेकिन मैंने सोचा किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगी तभी ये बात करूंगी, तो आज फाइनली मैंने सोचा कि आज बात कर लेनी चाहिए। तो बताइएगा आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो मैं कोशिश करूंगी, बाकी एक दो लोगों को शायद भिजवाना पॉसिबल नहीं होगा, अगर मैं खुद वहाँ पर होती जयपुर में तो मैं भिजवा सकती थी आप लोगों के पास, एक दो तीन चार लोगों के पास भी मैं भिजवा सकती थी, लेकिन आप लोग जानते हैं मैं वहाँ पर अभी नहीं हूँ, मैं अभी MP में हूँ, और मैं अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब जयपुर जाऊँगी, तो उसका भी अभी कोई आइडिया नहीं है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कितने लोग इच्छुक हैं, और आज ये मेरा ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, कल मिलेगा जैसा कि मैंने बताया संडे को, आज सैटरडे है और कल मेरा हैप्पी वाला बर्थडे भी है, मैंने सुबह भी बताया था आपको, तो विश ज़रूर कीजिएगा। और बस यही है, इतना ही है आज के ब्लॉग में, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, पर जैसा भी है बताइएगा कैसा लगा आपको, और आज का जो वीडियो मैंने बनाया था मीशो ज्वेलरी हॉल पे, वो तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए उसके ऊपर, अभी तक 500 ही हैं बस, पता नहीं क्यों नहीं व्यूज़ आए उसके ऊपर, तो अब देखते हैं इसके ऊपर कितने आते हैं। क्या उधर देख के बोलो, उधर ले क्या बैग लेके आओगे? कौन लेके आएगा तुम्हारे लिए बैग? आप कैसे देते रहते, मैं तक मेरे पास उधर में आए थे। ओके चलो बाय कर दें, बाय बाय, गुड नाइट बोल दें। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का, तुम भी बोलो, बोल दो क्या कहूँ, बोलो जो तुम्हें बोलना है वो।
कुछ नहीं बोलना तो मुझे बोलने दो। तो चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो मिलती हूँ फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर।